गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप नेक्स्ट ईबीएस का लैसन आप करांगे, लैसन नाइन। लैसन नाइन तो लैसन का नेम एयर एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स। एयर मीनस हवा तो करैक्टरिस्टिक्स मीनस विशेषतावान लक्षण है ना। जिमें थानू पता है कि हर एक चाहे वह लिविंग चीज़ आ चाहे नॉन लिविंग वो अलग अलग करैक्टर्स होंगे ने। जिमें थोड़ी क्लास में भी जिन्हें बच्चे ने उन्होंने हर एक के अलग अलग करैक्टर्स ने। जिमें उन्होंने कई बच्चे बहुत शरारती ने, यह उन्हों का करैक्टर हो गया शरारत वाला। तो कई उन्होंने इंटैलीजेंट ने, कई मोर इंटैलीजेंट ने, तो कई द मोस्ट इंटैलीजेंट ने। तो कई बच्चे बहुत घट बोलते हैं, कई बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कई शरारत जमा ही नहीं करते, तो कई उठते ही शरारत के नाल ने। सो अलग अलग करैक्टर्स ने। तो अज आप थोड़ी क्लास के बच्चों के करैक्टर नहीं बनने, आप अज एयर के करैक्टर बनने। एयर एयर मीनस हवा। हवा के भी अलग अलग करैक्टर होंगे ने। देखते हैं भी हवा शरारती है या नहीं शरारती या की है ना, वो आप करैक्टर अज पढ़ा। सो पहला उसका करैक्टर कि मिक्सचर ऑफ इनविजिबल गैसेज। गैसेज मीन गैस। इनविजिबल का मतलब हों जो चीज़ दिखाई ना दे। जिमें मिस्टर इंडिया तुसी पिक्चर देखी ना, उसके पिछों हीरो जो हों इनविजिबल हों। इस तरह यदा मिक्सचर ऑफ इनविजिबल गैसेज का मतलब यह कि हवा कई गैसा तो मिलकर बनिया, तो वह गैसा आप नहीं देख सकते। वो कड़ी कड़ी गैस ने उन्हों 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, तो इस अलावा जो 1% रह गया ये अदर गैसेज ने, अलग अलग ने, न्यान आर्गन है ना, इस तरह दिया गैसेज ने जिहड़ियां ने होर। सो पहला करैक्टर तुहानू क्लीयर हो गया होगा कि हवा की आ। एयर इज मिक्सचर ऑफ इनविजिबल गैसेज, कि हवा ना देखने वाली गैसा का एक मिश्रण है। सैकेंड सैकेंड यह है कि हैविंग वेट, हवा का भार होता है। इनू आप हम प्रूव कर सकते हैं, किमें कर सकते हैं। देखो एक अपने को तकड़ी आ, उस गुब्बारा जोड़ा बलून उन हवा भर के ला दिता, तो दूजे पास एक वैसे ही आप बिना हवा के डीफ्लेटेड मतलब कि बिना हवा के हवा कटी हुई गुब्बारे आप तोलिया। तो की पता लग्या कि जिस बलून के बलून विच वाज इनफ्लेटड विथ एयर, जिस हवा भरी गई सी, दैट इज हैवीअर दैन अदर वन, वो दूजे तो ज़्यादा जोड़ा आ वो ज़्यादा भारा होगा। राइट। सो ये हो गया कि एयर हैज़ वेट। क्लीयर। नैक्सट ऑक्यूपाई स्पेस, कि हवा का जिहड़ा आ भार होने के नाल नाल हवा स्पेस नूं भी ऑक्यूपाई करती है। वो किवें करती है, तो देखो आप वाला स्पेस लगे, ये वाला स्पेस स्पेस ज़्यादा है। इस बलून ने जिस हवा भरी है उन्हें स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई किया हो, जिस बलून के हवा नहीं हैगी उन्हें स्पेस घट किया ऑक्यूपाई। सो इट डिक्लेयर्स दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस, कि हवा स्पेस नूं घेरती है। राइट। थर्ड एक्ट एज मीडियम, हवा एक मीडियम का काम करती है। मीडियम का मतलब होता कि बिच चला, जिमें कोई भी मीडियम लै सकते, जिमें एग्जाम्पल दसा मैं, जिमें देखो इतने एक लड़का, ठीक है, इसका नाम है शालू, इसका नाम है बालू। शालू ने अपने मूँह के आवाज़ कढ़ी, वो मूँह के धुनिया जो तुम आवाज़ दी निकलियाँ, तो वह दूजे के कन तक पहुँच गई, तो इनू बालू ने सुन गया कि शालू ने मेरे बारे की किया। शालू ने चुगली की, तो बालू के तक हवा के जरिए पहुँच गई। अगर हवा इतने ना होती तो फिर बालू को शालू की जो चुगली की गई है वो नहीं पहुँचनी सी। सो इतने एयर मीडियम का काम करती है। मान लो इतने आप हवा सपोज करो कि हवा खत्म हो जाती है, अगर हवा खत्म हो जाती है तो यही आवाज़ इस तरह तक पहुँचूगी नहीं पहुँचनी, ठीक है ना। इस तरह हवा की है एक माध्यम का काम करती है, जो कि आवाज़ को एक जगह तो दूसरी जगह तक लेके जाती है। सो एयर पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो पार्टिकल्स
पार्टिकल के ऊपर हवा दी धुनिया बैठ के एक मूँह तो दूजे के कान तक पहुँच जाती हैं। तो लास्ट से करके अपना एग्जर्ट प्रैशर के जो हवा आ प्रैशर भी एग्जर्ट करती है, प्रैशर दबाव एग्जर्ट करती है। जिमें इधर एक गिलास दे विच पानी पाया है, गिलास उपर तक भर के आपके उपर एक गत्ता रख दिता, ठीक है। गत्ता पानी के अटैच होना चाहिए, गिलास बिल्कुल पानी भरया होना चाहिए। जो आप उस गिलास में एक गत्ते हाथ रख के गिलास में मूदा करा तो देखा कि फिर भी गत्ता गिलास नालों पासे नहीं होंगे, टिकता क्यों नहीं होंगे, क्योंकि पानी और गत्ते के विचकार जो हवा से वो निकल गई तो उन्हें प्रैशर एग्जर्ट करता, इस करके वह गत्ता हेठा नहीं टिकता। सो आप अच्छ लैसन जोड़ा ओवरव्यू पढ़ लिया सारे, ये तुम घर जाके लैसन जोड़ा ये पढ़ना है कि ये करैक्टर्स ने किड़े ने कि हवा एयर इज मिक्सचर ऑफ इनविजिबल गैसेज, सैकेंड वन एयर हैज वेट, थर्ड एयर ऑक्यूपाई स्पेस, फोर्थ इट एक्स एज मीडियम, एंड द लास्ट वन इज इट एग्जर्ट प्रेशर। थैंक यू।